बंगोपसागर रे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे आंध्र उपकूल मुहा बात्या मिग्जोम एहा क्रमशः घनीभूत हो भीषण बात्यार रूप नहीं घंटा प्रति 8 किलोमीटर बेगरे उत्तर तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश उपकूल मुहां होउछि। आसंता काली सकाळे आंध्रप्रदेश नेल्लोर और मछलीपट्टनम मध्यरे स्थलभाग छुईबा नहीं पूर्वानुमान कराजैछि। बात्या प्रभाव में दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशार किछि जिल्लारे वर्षार संभावना रहिछि। आसंता काली मलकानगिरी गंजाम गजपति कोरापुट रायगढ़ जिले में प्रबल वर्षा होने आकलन करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र। सेहिपरि आसंता काली अति प्रबल वर्षा नहीं पांच जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। एहा समेत नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल और पुरी में मध्य वर्षा नहीं पूर्वानुमान करा जाइछि। अमल होबाकु थिबा फसल को नहीं चासिंग को सतर्क करा जाइछि। एथिसह अति प्रबल वर्षा होबाकु थिबा जिल्लार तळी अंचल गुडी करे जलमग्न समस्या एवं कच्चा घर भांगिबार आशंका थिबा मध्य कहिछि आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। उपकूलवर्ती जिल्ला गुडी करे समुद्र भितर को जिबाकु मत्स्यजीवी मानंकु बारण करा जाइछि। चेन्नई पाखरु प्रायतः 90 किलोमीटर दूर रे पूर्व उत्तर पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत अच्छी। यह धीरे धीरे उत्तर दिगरे गति कर दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल पखापाखि एवं पांच तारीख रे पूर्वाह्न समय रे नेल्लोर एवं मछलीपट्टनम मध्य रे बापटला पखापाखि यह उपकूल अतिक्रम कर सेतेबेले यार पवन रो वेग 90 रु 100 किलोमीटर प्रति घंटा एवं गोष्णेश रे 110 किलोमीटर प्रति घंटा होवार संभावना अच्छी। यह उपकूल अतिक्रम कर सारा परे धीरे धीरे दुर्बल हेबो एवं उत्तर पूर्व दिगकु गति करिबो। तेणु यार कौन से सीधा सड़क प्रभाव ओडिशा उपरे नाही तथापि यार प्रभाव रे ओडिशा उपकूल निकट रे विशेष दक्षिण ओडिशा उपकूल निकट रे पवन रो वेग 40 रु 50 किमी प्रति घंटा हे पारे 5 तारिख रे। तेणु मत्स्यजीवी भाई माने समुद्र मध्यकु जिबा उचित नो 6 तारिख पर्यंत आमर जहाँ पूर्वानुमान रहुछि आज जो पूर्वान सुधा यह आहरी घनीभूत होगा सह आमर उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर गोटे भीषण बात्यारे परिणत होबार संभावना रहुछि। जहाँ पूर्वानुमान रहुछि आज आमर जो दक्षिण ओडिशार किछि जिल्लारे भारी वर्षार संभावना रहुछि मुख्यतः भारे मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम ये जो पांच जिला रोचे से आपण भारी वर्षार संभावना रोचे एवं पवन बेग देखा जदि आज संध्या पर ठारु पवन बेग समुद्र उपकूलस्थ जो रोचे अंचल ओडिशा आखपाख अंचल पवन बेग 35 रु 45 सर्वाधिक आमर 55 किलोमीटर पर्यंत रहिबार संभावना रोचे। पर जो पवन बेग आज आसंता काली ठारु धीरे धीरे आहरी वृद्धि पाइब 40 रु 50 आमर सर्वाधिक 60 किलोमीटर पर्यंत पवन रहिबार संभावना रही। ता सहित आमर जो रोचे मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ एसबु जिला गुड़िकर पवन बेग 30 रु 40 किलोमीटर पर्यंत रहिबो एवं खास करके देखा जी गजपति आमर पुरी गंजाम जगत सिंहपुर ए जिला गुड़िकर पवन 35 रु 45 किलोमीटर बेगर रहिबार संभावना रही। तेणु ताकू लक्ष्य करके मत्स्यजीवी मानक आज संध्या ठारु 6 तारीख जाए समुद्र मध्य को संपूर्ण भाव बारण करशा उपकूल सहित आम विपद संकेत जो रही बंदर गुड़िक बर्तमान 2 नंबर विपद संकेत समस्त बंदर गुड़िक जारी कर। तेज पाणीपाग विशेषज्ञ प्रतिक्रिया शुणुते बर्तमान जीवा ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर ब्यूरो चीफ सुजित पंडा सहित रोचान। सुजित पांच जिला को ओडिशार पांच जिला को गोटे प्रकार वार्निंग दिया जाइछि प्रबल वर्षा होबार संभावना रहुछि एवं ता भितरे गंजाम जिला रहुछि तेणु पागरे कौन परिवर्तन देखुछन्ति प्रशासन तरफ केते प्रस्तुति। निश्चित रूपे मौसुमी देखंतु दक्षिण पश्चिम पार्श्वर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर संभाव्य बात्या को लेकर वर्तमान समस्त मन में गोटे छनका पशे कहीं गंजाम जिला जदि कथा देखा ताले पूर्वर अनेक बात्या देखी सारी अनुभव कर जितेबाला आज दिन सारा देखा ताल पाग पूरापूरी मेघुआ रही कि चाषी कूल में विशेष करके चिंता बढ़ी कहीं कि भाव फसल अमल फसल को किभली भाव सुरक्षित रखटर चित्र देखिए आम रही गोपालपुर रही ये हूँ गोपालपुर समुद्र देखुं कि भाव अशांत रही संभाव्य बात्या जेहेतु दक्षिण आंध्र में जितेबाला ये संभाव्य देखा मछलीपट्टनम आउ किसी दूर रही से गोपालपुर में यार प्रभाव पड़ता देखा मिली पाग पूरा मेघुआ रही समुद्र चित्र देखुए ताहले पूरापूरी समुद्र अशांत रोचे एवं सेपटे जिला प्रशासन पक्ष व्यापक व्यवस्था कराई सतर्कतामूलक अवलम्बन कराई चाषी को कहुची जो मैंने धान काटिंट से सुरक्षित स्थान को धान बही ने जदि बिल धान रही पूरापूरी अखा और पाल द्वारा घोड़े रखा एवं सेपटे जदि आवश्यक स्थल रही कि भाव से पक्का स्थान को आवश्यक पड़े लोक स्थानांतरित होने कह
ଏବଂ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ତୋଫାନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି, ବହୁତ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି। ଆଜି ଏତେ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ସେ ଗୋଳିଆ ହେଉଛି, ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହର ଆସେ। ଏ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେ ଦେଖା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହେବ ବି ନାହିଁ, ହେବ ବି ଏତେ ଚାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେଉଁଠୁ ପାସ୍ ହେବ ହେବ, ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ମେଘ ଏଗୁଡ଼ା ମେଘ ବି ହେଉଛି, ଯେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବି ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ଯିବା ଯେଉଁ ମାଛିଘରମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ସେ ଜାଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧୁ, କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥାଉଛି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା କିଭଳି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଗୁଳିଆ ରହିଛି, ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବର୍ଷା ହେବାର ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ହେବା ଏ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଚିକିଟି ଏସବୁ ବ୍ଲକ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଭୂସ୍ଫଳନକୁ ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ମଧୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଜିତ ପଣ୍ଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।